हेलो एवरीबॉडी, समग्र शिक्षा विभाग में क्लर्क की भर्ती निकली है और पद सिर्फ आपके लिए है। यदि आप जाना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देशिता ऊपर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा विभाग की क्लर्क भर्ती की। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि पद केवल आपके लिए है, आप लग गए तो किसी दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है संदीप भाई ने और तिलक भाई ने, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँगा आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जातियों के लिए वैकेंसी है। अंतिम तिथि, अंतिम डेट, लास्ट डेट 25 जून 2020 है। समग्र शिक्षा विभाग चंडीगढ़ में भर्ती निकली है, ठीक है। और दोस्तों, में जो वैकेंसी है वो एक ही है, पद का नाम इसमें क्लर्क है। इसके लिए महिला और पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एज आप देख सकते हैं 18 से 37 साल है और संविदा आधार पर यह भर्ती है, ठीक है। और वेतन इसमें अच्छा खासा मिलता है दोस्तों, 35,640 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका दोस्तों फार्म भरने का चालान लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा आपको 500 रुपये का, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के पक्ष में, ठीक है, ये आपको कटवाना पड़ेगा। और बैंक ड्राफ्ट के पीछे पद का नाम, अपना नाम आपको ज़रूर लिखना है। और जो आपको फार्म है वो आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है। और फार्म भर के सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा के इस एड्रेस पर सेंड कर देना है 25 जून 2020 से पहले पहले, ठीक है। और सभी जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो अटेस्टेड करवाने हैं आपको, ठीक है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही भेजने हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इसके लिए भरना चाहते हैं तो भर लीजिए अपना फॉर्म। आपको ये अपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके स्थान पे आप 10वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है और दोस्तों एक खुद का पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रुपये की डाक टिकट लगी हो वो भी आपको साथ में अटैच करना है। साथ में आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है वो भी इसके अंदर डाल देना है। और आवेदन वाले लिफाफे पर आपको जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम भी आपको अवश्य लिखना है। अपनी जाति के बारे में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं केवल जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करें, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं लेकिन फार्म आपको जनरल कैटेगरी में ही भरना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फार्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर ये समग्र शिक्षा विभाग की चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भी अपने शहर की दुकान से फार्म लेके आके उसको भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक भर्ती थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, ग्रेजुएशन पास पे। इसमें वेतन अच्छा खासा दिया जाता है और बहुत कम चांस है हटाने के, एक बार लग गए तो आप लग गए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसी प्रकार की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।